भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। आप कुछ भी करें वो भक्ति नहीं हो सकती, इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए। आप कुछ भी करें, बोले महाराज हमारी ये श्रद्धा है, बोले शास्त्र के सीमा से बाहर जाकर के होने वाली श्रद्धा भी उत्पात का कारण बनती है। श्रद्धा को भी शास्त्र की सीमा में ही रहना चाहिए। शास्त्र की सीमा से बाहर होने वाली श्रद्धा भी अंधश्रद्धा होती है, जिसको आज अंधश्रद्धा कहते हैं। अंधश्रद्धा की परिभाषा क्या है? बोले अंधश्रद्धा की परिभाषा यही है कि जो शास्त्र की सीमा से बाहर मनमुखी और भक्ति का ही पर्याय, पर्यायवाची शब्द कहा जाए तो श्रद्धा है। श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। वो भी कैसी श्रद्धा, कैसा प्रेम? तो कहते हैं कि महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय जनों के प्रति जो प्रीति हो उसका नाम भक्ति। सभी प्रीति को भक्ति नहीं कहते। बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, लेकिन बाप के द्वारा बेटे के प्रति किया गया जो प्रेम है उस प्रेम को हम भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वो महनीय के विषय में नहीं। पिता के लिए बेटा महनीय नहीं होता, बात्सल्य का पात्र हो सकता है, दुलार का पात्र हो सकता है, वो महनीय नहीं होता। इसलिए बाप के द्वारा बेटे के प्रति की गई जो किया गया जो प्रेम है वो प्रेम भक्ति नहीं है, वो प्रेम है। लेकिन बेटा बाप से प्रेम करे, बाप की सेवा करे, बाप की आज्ञा का पालन करे, तो उसको कहते हैं पितृ भक्ति। क्यों? बोले वो महनीय के प्रति, पुत्र के प्रति पिता महान। उसी प्रकार मां पुत्र से प्रेम करती है तो उसको वात्सल्य कहते हैं, लेकिन वही पुत्र अपने मां के प्रति समर्पित होकर प्रेम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उसको मातृभक्ति कहते हैं। तो महनीय विषय प्रीति ही भक्ति ही। महनीय जनों के प्रति जो प्रीति होती है उसे भक्ति कहते हैं। अब भगवान के संदर्भ में वो भक्ति कैसे है? तो कहते हैं भगवान सबसे महनीय है, महानतम है। वेदों ने कहा कि अणोर अणीयान महतो महीयान, भगवान महतो महीयान है, महान से भी महान है। और ऐसे महान परमात्मा के प्रति हमारी जो प्रीति है, जो श्रद्धा है, उसका नाम भक्ति। अब वो भक्ति किस प्रकार से हो, जैसे हमको समझ में आवे वैसे कर लें? कहते नहीं, शास्त्र के सीमा में रहकर, इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना। आचार्य कहते हैं कि इतिहास पुराण वेद शास्त्र की विधि को छोड़कर केवला है तुकी भक्ति ही उत्पाताय कल्पित। इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवल आहेतु की भक्ति ही उत्पाताय कल्पते। शास्त्रकार कहते हैं कि इतिहास पुराण को छोड़कर, वेद की विधि को, शास्त्र की विधि को छोड़कर केवल अपने मनमाने ढंग से हम भक्ति करें तो वो भक्ति क्या है? बोले उत्पाताय कल्पते। वो भक्ति उत्पात को उत्पन्न करती है। उस भक्ति से उत्पात हो, वो उत्पात क्या होगा? बोले वेद के सिद्धांत का नाश होगा, करने वाले का नाश होगा, भ्रम पैदा होगा, अज्ञान की एक श्रृंखला चल पड़ेगी और उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। इसीलिए शास्त्र सम्मत भक्ति का ही महत्व आचार्यों ने कहा है। इसीलिए शास्त्र की विधि से हम भगवान की भक्ति करें और शास्त्र की विधि को जानने के लिए शास्त्र को श्रवण करना पड़ेगा। श्रोतव्यो
मंतव्यो निदिध्यासितव्य। शास्त्र की विधि का न ज्ञान होने के कारण कोई भी अज्ञानी व्यक्ति अपने विचार से किसी भी व्यक्ति को भगवान बना देता है। कितने नकली भगवान इस दुनिया में पूजित हो रहे हैं और बाद में उन भगवानों की स्थिति क्या होती है, बोले जिंदा रहे तो जेल जाते हैं और मरने के बाद गाली सुनते। कितने मरेच्छों को भगवान बना करके गली गली उनके मंदिर बन गए। साई जैसे व्यक्ति को भगवान बना दिया, क्यों? साई को भगवान बनाने वाले कौन है? बोले विद्वान नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं है, वे अल्पज्ञ मनमुखी भक्ति करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने शास्त्र की विधि को न समझकर अपनी अंध श्रद्धा के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को भगवान घोषित किया। कहने का तात्पर्य कि जब तक शास्त्र को हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक सनातन वैदिक सिद्धांत को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र के गंभीर रहस्य को श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा कोई मनोरंजन नहीं, भगवान की कथा कोई कॉमेडी नहीं है कि आप यहां मनोरंजन करने आवे और थोड़ा देर आपके अनुकूल बातें सुनाई जाएं तो आपका समय पास हो। कथा तो जीवन का सार है। महाराज, भगवान की कथा भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में और भगवान श्री कृष्ण चंद्र में रंच मात्र भी अंतर नहीं। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति। श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब भगवान निज धाम गमन करने लगे अपनी लीला का संवरण करके, तो भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप निज धाम चले जाएंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में अपने जीवन को कैसे धारण कर पाएंगे? तो भगवान श्री हरि ने कहा, उद्धव, अन्य अवतारों में अपनी लीला का संवरण करके मैं क्षीर सागर चला जाता हूं, क्षीरारणों में मेरा प्रवेश हो जाता है, लेकिन इस बार कृष्णावतार में लीला का संवरण करके मैं क्षीरारणों में नहीं जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा, आप कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतारणों में मेरा प्रवेश हो जाए। और इतना कहते हुए भगवान गोविंद श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य ज्योति को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। वेद व्यास जी लिखते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम्। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम्, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए। तेने अम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे हे। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति। भगवान स्वयं इस ग्रंथ में प्रतिष्ठित हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है। इस ग्रंथ के हर अध्याय के अंत में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। सुखदेव जैसे परमहंस ने इसको आत्मसात किया, वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, लेकिन इसका रस श्री सुखदेव ने अनुभव किया और समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। वेद व्यास जी कहते हैं, इस रस को पियो। पिबत भागवतम रसम, पिबत भागवतम रसम, इस रस को पियो। कब तक पियो? बोले आलयम। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम का मतलब मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक इस कथा को पियो। अर्थात ये जीवन जब तक है तब तक बार बार इस कथा को
पीते रहो, पीते। पिबत भागवतम रसमालयम, मुह रहो बार बार पियो। कैसे पियो? बोले रसिकाहा, रसिक होकर के। भूवि भावुकाहा, हे पृथ्वी के भावुक प्राणियों, भावना से युक्त होकर के इस रस को पियो। ऐसा वेद व्यास जी महाराज आदेश करते। और जो इस रस को पीता है, जो इसे पिलाता है, जो इसका अनुमोदन करता है, जो इसका समर्थन करता है, वो भगवान गोविंद को प्रिय हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम। जो मेरी कथा को सुनाता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो इस कथा को सुनने में रत रहता है। मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रीति करता है। ना हम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता, ऐसे पुरुष को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, मैं सदा उसे अपना मानता हूं। ये भगवान का उद्घोष है। ऐसी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, जो वेदों का सार है,